वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोजा दौरा सऊदी अरब, रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा मुल्क कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, अकायद और जहां के हुज़ूर दुरूद व सलाम पेश किया। मुल्क भर में शबे कदर इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाए गई। घरों मसाजिद में खसूसी इबादत, तस्बीह और तकबीर के सदाएं, कयामुल लैल, सलातु तस्बीह, तलावत कुरान पाक और जिक्र अस्कार की महाफिल का अहतमाम किया गया। गुनाहों से तौबा, अस्तगफार, बख्शिश के लिए मनाजात, मुल्क की सलामत और इस्तेहकाम, फलस्तीनियों और कश्मीरियों के हक में दुआएँ की गईं। परदेसियों की आबा इलाकों को वापसी, ईद पर 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने के कवी इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात पर उम्मीद, कहा चांद 8 अप्रैल को पैदा हो जाएगा। 9 अप्रैल को जब चांद नजर आएगा उस वक्त उम्र 8 घंटे के करीब होगी। भारत का पाकिस्तान में 20 अफराद की टारगेट किलिंग का एतराफ। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा सच साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर नई गीदड़ भपकी, कहा भारत में दहशतगर्दी करने वाले हर पाकिस्तानी को कत्ल करेंगे, मोदी सरकार की यही पॉलिसी है। अफरीदी साहब ने जरूर कहा, शहरयार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर है, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। शहरयार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई है वो हम हर वर्ग में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है, फौरन दीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। पीटीआई के अख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। शहरयार अफरीदी की कोहाट जलसे में पार्टी क़यादत को धमकी, कहा पार्टी के अंदर कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं, चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि मुझे फटने पर मजबूर ना करें, पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं, पीठ में छुरे घोंपने वालों को फिर से गले लगाने नहीं देंगे। उधर बैरिस्टर गुहर बोले, शहरयार अफरीदी ने जो कहना है पार्टी के अंदर कहे, सबके सामने नहीं, अगर कोई किसी से मिला हुआ है तो इसका इल्म नहीं। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गुहर के सामने ही फट पड़े, शहरयार अफरीदी के बयान की खुलकर हिमायत कर दी, कहा खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर वानी पीटीआई के फैसले की तौहीन की गई। हमारे कुछ लोग मुखालिफीन से राबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। पीटीआई सबसे मजबूत जमात है, आज दोबारा इलेक्शन करा लें पता चल जाएगा। बानी पीटीआई की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की, हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का जनरल फैज और जनरल बाजवा ने बताया, जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा। आलाजलिया के जजिस को धमकी, अमेज खतूत की तहकीकात जारी, फॉरेंसिक रिपोर्ट में 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदेही, तहकीकाती टीम ने मुमासलत के पहलुओं पर अहम शवाहिद हासिल कर लिए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खतूत से जजिस के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तहरीके नामोसे पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत में वेलकम टू बेसलेस इंटरॉक्स तहरीर किया गया, अल्फाज जजिस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाईकोर्ट की मदियत में दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की कच्ची आबादियों को एलडीए डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एलडीए प्रोजेक्ट्स का जायजा इजलास, एलडीए एवेन्यू 1 में पायलट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा रेड़ी बानों के लिए वेंडिंग प्वाइंट बनाए जाए, किसी की रेड़ी ना छीने। उधर पंजाब में 300 ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का अज़्म, स्पोर्ट्स एंडोवमेंट फंड बढ़ाकर 2 से 4 अरब रुपए कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है, खेल हमें नज़्म-ओ-ज़ब्त सिखाते हैं।
बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर बहाना 12 लाख रुपए खर्चा। जेल में दी गई सहूलियात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। कहा गया जेल में सिक्योरिटी कैमरों पर 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बानी पीटीआई के लिए 15 एहलकार तैनात हैं जिनमें से 2 अफसरान हैं। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया जिनमें से 2 सेल बानी पीटीआई के जेर इस्तेमाल है। कोई भी शख्स बगैर इजाजत बानी पीटीआई के सेल तक नहीं पहुंच सकता। बानी पीटीआई को सेहत बख्श खाना दिया जाता है जो स्पेशल किचन से बनता है। खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार होता है। पाकिस्तान की राजनाथ के इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी शहरी को निशाना बनाने का दावा वाज़ह तौर पर जुर्म का एतराफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़के मार रहे हैं। भारत को किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रावलपिंडी में चंद घंटे के दौरान 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 मुलजिम हालात, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाकेंट में नाका पर पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को रोका। मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। 2 नामालूम मुलजिम अपने ही साथी की गोलियां लगने से हालात, तीसरे की तलाश। शुक्रियाल में मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमों की महाफिज कोच पर फायरिंग। फायरिंग के दौरान 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। उधर रहीम यार खान की बस्ती कोरिजा में जेरे हिरासत डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी। डाकू के साथियों ने छुड़ाने के लिए हमला किया था। भक्कन में करोड़ों रुपए मालियत की जाली अद्वियात का बड़ा जखीरा बरामद। एफआईआर की कार्रवाई में 2 मुलजिम गिरफ्तार। जाली अद्वियात पाकिस्तान भर में सप्लाई हो रही थी। पकड़ी गई अद्वियात में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल। मियां चन्नू में तेज रफ्तार कार ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 2 नौजवान जहां भाग, 1 शदीद जख्मी। जहां भाग नौजवान की शिनाख्त शहजाद और आसिफ के नाम से हुई। और इसराइल भर से लाखों शहरी एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। इसराइली शहरियों की दारुल हुकूमत तल अबीब और दीगर शहरों में भी रैलियां। मुजाहिरीन ने कई अहम शाहराहों को बंद कर दिया। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का मुतालबा है मुल्क में कबल अस वक्त इंतखाबात कराए जाएं।